नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ प्रभावी एजुकेशन हब में। एंड आज पढ़ेंगे हम लोग एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट। ये चैप्टर 9 इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का। मेक श्योर कि आपने इससे पहले की वीडियोस चैप्टर 9 के और उससे भी पहले के जो क्लासेस हैं, जो 8-1 से लेकर 8th चैप्टर के, उनको आपने देखा है। एंड आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। तो चलिए शुरू करता हूँ। एम एस एम ई सेक्टर इज़ बेसिकली क्लासीफाइड इंटू टू क्लासेस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर में इसको क्लासीफाई किया गया है। तो पहला पॉइंट यही है कि एमएसएमई सेक्टर को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंटरप्राइजेज हैं इसमें एमएसएमई में। एंड एमएसएमई अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये इसका जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं, इसका गठन किया गया था 2006 में। एक एक्ट आया था एसएमएसई एक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस करके है एसएमएमई एक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप सेकेंड पॉइंट देख सकते हैं, वाइटल रोल प्ले करता है एमएसएमई सेक्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डेटा है, 3.6 करोड़ ऐसी यूनिट है, एमएसएमई की यूनिट है, छोटी छोटी यूनिट होती हैं जो कि इम्प्लॉय करती हैं 8.5 करोड़ पीपल को। तो बहुत मतलब एक अच्छा खासा क्वान्टिटी, एक अच्छे खासे नंबर ऑफ पीपल को ये इम्प्लॉय करती है। ठीक है, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कंट्रीब्यूशन, इट कंट्रीब्यूट 37.5% टू द कंट्रीज जीडीपी। तो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और ये एड्रेस कर सकता है बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को। इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होते हैं, क्या क्या होते हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी का। रीजनल इम्बैलेंसेस जो भी होती हैं, कि कई जगह पे डेवलपमेंट है, कई जगह पे नहीं है, तो वैसे रीजनल जो इम्बैलेंसेस हैं उनको ये सॉल्व कर सकती है। देन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम में भी ये हेल्प कर सकती है। कई लोगों को ज़्यादा इनकम मिलती है, कई लोगों को कम, बहुत गरीब बहुत अमीर लोग हैं, तो वो इनइक्वालिटी को ये इसमें क्षमता है एमएसएमई सेक्टर में ख़त्म करने की। एंड जो एक और पॉइंट है, वेल्थ, इनकम एंड वेल्थ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ को, जैसे मैंने बताया, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो ये सारे प्रॉब्लम को एड्रेस करने का, जो कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, क्षमता है एमएसएमई सेक्टर में। ठीक है, चलिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी अगर आप आंसर राइटिंग करते हो तो ऐसे आंसर लिखना होता है। ठीक है, कुछ चैलेंज, कुछ स्कीम्स देखते हैं एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड। तो पहला जो इसमें स्कीम है वो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो बेसिकली 2008 में दो प्रोग्राम को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, दो प्रोग्राम को मर्ज करके एक प्रोग्राम बनाया गया। वो दो प्रोग्राम थी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना को, और इसके साथ एक और REGP। REGP स्टैंड्स फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इन दोनों प्रोग्रामों को मर्ज करके PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ठीक है, 2008 में। अब इसका पर्पस बता देता हूँ। पर्पस इसका ये है कि एक सस्टेनेबल
एंड कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की जाए रूरल एंड अर्बन एरिया ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, रूरल प्लस अर्बन एरिया में सस्टेनेबल, ठीक है, प्लस कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इसमें स्कीम्स है, जैसे कि इसमें लोन दिया जाता है, ठीक है, और भी कई सारे स्कीम्स हैं। तो ये ओवरऑल PMEGP। नेक्स्ट इसमें है CGTMSE, जिसको कहते हैं क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है। अब इसके बारे में बताता हूँ, तो ये है क्या बेसिकली ये बेसिकली कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड कराता है, कराने में मदद करता है ये स्कीम किसको, एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं इस सेक्टर में, MSME सेक्टर में, उनको लोन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज बिना क्रेडिट के कुछ होता नहीं है। तो अब कई बार क्या होता है कि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिनके पास कोलेट्रल नहीं है, कोलेट्रल मतलब कि कोई सिक्योरिटी नहीं है लोन लेने के लिए, तो इनको ये कोलेट्रल प्रोवाइड कराता है इस स्कीम के तहत, ठीक है, क्रेडिट गारंटी देता है बेसिकली, जो भी लेंडर है उसको बोलता है कि भाई आई एम प्रोवाइडिंग द क्रेडिट गारंटी, यू गिव द लोन टू द एंटरप्रेन्योर, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसमें क्रेडिट CLCSS, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, ये क्या है बताता हूँ। देखिए इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन MSME बाय प्रोवाइडिंग एन अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी। तो यहाँ पे कैपिटल सब्सिडी दिया जाता है टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए, जो भी इस सेक्टर में जो भी एंटरप्राइजेस काम कर रही हैं उनकी टेक्नोलॉजी, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी उनके पास हो, ताकि वो अच्छे से अपने प्रोडक्शन को सुधार सके और अपने इंटरप्राइज को आगे ले जा सके, ठीक है। यहाँ पे 15% की सब्सिडी दी जाती है, जो भी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं ये लोग उसमें 15% सब्सिडाइज होता है, सब्सिडी देती है सरकार, ठीक है। तो ये कुछ CLCSS के बारे में। नाउ स्फूर्ति स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे स्फूर्ति के बारे में अगर मैं बताऊँ तो स्फूर्ति है क्या, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है। तो ये बेसिकली स्फूर्ति 2005 में ही लॉन्च किया गया क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए। अब है क्या क्लस्टर डेवलपमेंट, तो इसमें क्या है कि जो भी MSME सेक्टर की एंटरप्राइजेज हैं वो एक जगह हों, एक जैसे प्रोडक्शन करने वाले एक जगह हों और उनका क्लस्टर सा बन जाए, ताकि उनके जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो दूर किए जा सके। तो इसमें बेसिकली कई सारे इसमें स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया, जैसे कि पहले जो स्कीम्स थी जैसे कि खादी इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी वगैरह के लिए जो स्कीम्स थी, और कुछ स्कीम्स जैसे डिज़ाइन इंटरवेंशन एंड पैकेजिंग में कि भाई जो भी डिज़ाइन होगा ऐसे प्रोडक्ट्स का जो कि MSME के द्वारा बनाया जाएगा, उनके डिज़ाइन में सुधार लाना एंड पैकेजिंग में उसमें हेल्प कराना, तो ये सब प्रोग्राम के कुछ पार्ट है स्फूर्ति के, ठीक है। नेक्स्ट है MSE CDP, इसके बारे में जानते हैं। फुल फॉर्म है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये कहीं ना कहीं स्फूर्ति के जैसा ही है, और इसमें सेम कहानी है इसकी भी, कि जैसे
कई बार क्या होता है कि एमएसएमई सेक्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे स्टोरेज का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, बाकी ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसमें भी क्लस्टर डेवलपमेंट से क्या होगा कि एक जैसे जो जो एंटरप्राइजेज हैं जो एमएसएमई के लघु उद्योग के, वो एक साथ रहेंगे क्लस्टर के तौर पर, तो इनके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। तो ये भी समहाउ रिलेटेड टू स्फूर्ति ही है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये भी एक प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स दी जाती है, जैसे जो भी प्रोजेक्ट है, मान लीजिए मैक्सिमम 20 करोड़ का जो प्रोजेक्ट होगा उसका 70% जो ग्रांट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है, 70% ग्रांट को रिस्ट्रिक्ट करती है। तो कुछ कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स वगैरह इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है, मार्केटिंग हब वगैरह बनाया जाता है, थीमेटिक इंटरवेंशन किया जाता है, जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक्सपोजर विजिट वगैरह, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप का इसमें कराया जाता है एमएससी सीडीपी में। चलिए आगे बढ़ता हूँ, रीसेंट कुछ इनिशिएटिव्स हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला है UAM, उद्योग आधार मेमोरेंडम, ठीक है। ये है क्या, ये तो सबसे पहले जान लीजिए कि सितंबर 2015 में इस प्रोग्राम को नोटिफाई किया गया था, ठीक है, किस लिए, टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें होता क्या मैं बताता हूँ आपको, कोई भी जो एंटरप्रेन्योर होता है जो एमएसएमई सेक्टर में है, वो बेसिकली एक ऑनलाइन उद्योग आधार फॉर्म आता है, उसको भरता है, और उसको भरने के बाद उसे एक उद्योग आधार नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो एक ये यूनिक नंबर होता है जिससे हैसल फ्री वो अपना एंटरप्राइज को शुरू कर सकता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर इंडस्ट्रीज, तो कहीं ना कहीं मैच करने के लिए कि भाई जो मैच बनाने के लिए, मैच करने के लिए जो लोग काम चाहते हैं, जैसे जो लोग those who are searching for the jobs and जो enterprises हैं उनके मैच को पूरा करने के लिए यहाँ पे employment exchange for industries government of India ने खोला, ठीक है। was set up in June 2015 in line up with digital India program के साथ ही, इसको मतलब उसी के नक्शो कदम पे ये खोला गया। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ एमएसएमईज, तो यहाँ पे अंडर दिस मई 2015 बैंक्स नीड टू कंस्टिट्यूटेड कमिटी फॉर डिस्ट्रेस्ड एमएसएमईज टू प्रिपेयर ए करेक्टिव एक्शन प्लान। तो यहाँ पे बैंकों को टास्क दिया गया है कि भाई आप एक कमिटी बनाना फॉर द डिस्ट्रेस्ड एमएसएमई, ताकि उनका करेक्टिव एक्शन प्लान को तैयार किया जा सके, ठीक। नेक्स्ट है एस्पायर का फुल फॉर्म बोलूँ तो प्रमोटिंग इनोवेशन एंड रूरल एंटरप्रेन्योर्स, तो ये भी कहीं ना कहीं इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। तो लॉन्च्ड इन मार्च 2015 नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स इसमें होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं रूरल एरिया में एंटरप्रेन्योरशिप को इनोवेट करने और उसको जनरेट करने का काम एस्पायर करता है। एस्पायर के पास एक एस्पायर इंडिया फंड भी है, AIF जिसको बोलते हैं, ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। एनीवे दिस इज़ ऑल अबाउट एमएसएमई सेक्टर। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ वीडियो। बाय बाय टिल देन।